और अब बात करते हैं एमएलसी चुनाव की। भाजपा ने इस चुनाव में भी परचम लहराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सीएम योगी बड़े मिशन में जुटे हैं। आज वो खुद भाजपा मुख्यालय पहुंचे और यहां से सीएम योगी ने जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ वर्चुअल बैठक की। मुख्यमंत्री योगी ने साफ संकेत कर दिया कि भाजपा का लक्ष्य 36 में से 36 विधान परिषद सीटें जीतने का है। 9 अप्रैल को विधान परिषद की 36 सीटों के लिए चुनाव होना है और अगर भाजपा ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया तो विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी बहुमत हासिल हो जाएगा। भाजपा और सपा के बीच 36 वाला युद्ध। विधानसभा में कर ली चढ़ाई, अब विधान परिषद की लड़ाई। उन सभी क्षेत्रों के मतदाताओं को जिन्होंने हमारे 36 में से 9 यानी 25% सदस्य निर्विरोध चुन करके पहले भेज दिए हैं, 9 निर्विरोध चुन करके चले गए हैं। जो निर्विरोध चुने गए हैं, मैं वहां के सभी मतदाताओं को और निर्वाचित जो हमारे सदस्य हैं उनको मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। विधानसभा में जीत का कमल खिलाने के बाद अब भाजपा विधान परिषद में भी इतिहास रचने की तरफ बढ़ चुकी है। भाजपा की कोशिश है कि 36 में से 36 सीटें जीतकर क्लीन स्वीप किया जाए। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्थानीय निकाय क्षेत्र के सदस्यों से बात की और भाजपा प्रत्याशियों को जितवाने की अपील की। मेरी आप सबसे विनम्र अपील होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों को हम भारी बहुमत से अपने अपने क्षेत्रों से विजयी बनाने में अपना योगदान दें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो जीतेगा, विजयी होगा, तो वह उस क्षेत्र के विकास के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के से जुड़ी भी समस्याओं को सदन में उठाने के साथ साथ उन समस्याओं का समाधान करने और आपके साथ एक बेहतर संवाद का एक माध्यम भी अपने अपने क्षेत्र में बन पाएगा। 2017 में विधान परिषद में भाजपा के सिर्फ 8 सदस्य थे, लेकिन अगर इस बार 36 में से 36 सीटों पर भगवा लहराया तो ये संख्या 75 के पार चली जाएगी और भाजपा को बहुमत भी मिल जाएगा। लेकिन सपा ऐसा होने देगी ये उनकी तैयारियों से लगता नहीं। एक तरफ अखिलेश यादव लखनऊ में बैठकर रणनीति बना रहे हैं तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल चुनाव वाले जिलों के दौरे पर निकल गए हैं। नरेश उत्तम पटेल स्थानीय स्तर पर अपने किलों को दुरुस्त कर रहे हैं और प्रत्याशियों को रणनीति बता रहे हैं। सपा ने एमएलसी चुनाव की जिम्मेदारी विधायकों को सौंपी है और जहां पार्टी के विधायक नहीं वहां स्थानीय प्रभाव वाले नेता ये कमान संभाल रहे हैं। बगावती रुख वालों पर भी अखिलेश सख्त हैं। हाल ही में उन्होंने गाजीपुर में नामांकन वापस लेने वाले एमएलसी प्रत्याशी भोलानाथ शुक्ला को सस्पेंड कर दिया था। इसके अलावा पार्टी ने पूर्व एमएलसी कैलाश सिंह समेत 4 नेताओं को भी निष्कासित कर दिया है। चुनाव वैसे तो 36 सीटों पर होने थे, लेकिन 36 में से 9 सीटों पर भाजपा पहले ही निर्विरोध जीत दर्ज कर चुकी है। अब बाकी बची 27 सीटों पर दोनों दलों की रणनीति है। अखिलेश के सामने भाजपा की रणनीति भी बेहद धारदार है। विधानसभा चुनाव के बाद सीएम योगी की ये पहली चुनावी परीक्षा है। भाजपा ने सपा छोड़कर आए नेताओं पर भी दांव खेला है। भाजपा ने उन नेताओं को टिकट दिए हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा में आ गए थे। ये ऐसे सदस्य थे जो सपा से विधान परिषद में रह चुके हैं। भाजपा ने सपा से आए जिन बागियों को टिकट दिया है उनकी संख्या 6 है। सपा के लिए 2 परेशानियां हैं, पहली भाजपा की मजबूती और दूसरी अपने ही बागी। अब अखिलेश को इन दोनों से निपटना है। जिन 9 सीटों पर बिना लड़े ही कमल खिल गया उसके बारे में भी आपको समझाते हैं। लखीमपुर खीरी में भाजपा के अनूप कुमार गुप्ता निर्विरोध जीत चुके हैं क्योंकि सपा प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया। बांदा हमीरपुर सीट पर जितेंद्र सेंगर की जीत हुई है। एटा मैनपुरी मथुरा से आशीष यादव और ओम प्रकाश सिंह विजयी हुए हैं। यहां सपा प्रत्याशियों के नामांकन पत्र में गलतियां मिली थी। बुलंदशहर में नरेंद्र भाटी ने बिना लड़े ही कमल खिला दिया क्योंकि रालोद की सुनीता शर्मा पीछे हट गयी। अलीगढ़ में ऋषि पाल की जीत हुई क्योंकि सपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज हो गया। हरदोई में अशोक अग्रवाल, मिर्जापुर सोनभद्र सीट पर श्याम नारायण सिंह और बदायूं से बागीश पाठक निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं। भाजपा का दावा है कि जीत सभी 36 सीटों पर होगी। उत्तर प्रदेश के तमाम जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं।
36 सीटों में से 9 सीटों पर पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को निर्विरोध विजय मिल चुकी है। 27 सीटों पर मतदान होना बाकी है। कल की रणनीति के मुताबिक पार्टी ने विचार किया है कि प्रत्येक मतदाता तक हमारा कार्यकर्ता पहुंचे, अपने पार्टी के नीतियों के बारे में बात करे, सरकार की उपलब्धियों के बारे में बात करे और अधिक से अधिक समर्थन हासिल करके हम लोग कोशिश करेंगे कि 36 में से 36 सीटें ही भारतीय जनता पार्टी जीते। भाजपा सभी सीटों पर भले जीत की तैयारी में हो, लेकिन वाराणसी में भाजपा के प्रत्याशी को हार का डर सताने लगा है और इसके पीछे नाम आया है बृजेश सिंह का। भाजपा के प्रत्याशी सुदामा पटेल ने कहा है कि माफिया बृजेश सिंह जेल में रहते हुए उन्हें हराने की साजिश रच रहा है। बड़ी बात यह है कि सुदामा पटेल ने इस साजिश में भाजपा के कुछ लोगों के शामिल होने का आरोप भी लगाया है। बता दें कि बृजेश सिंह की पत्नी अन्नपूर्णा MLC की निर्दलीय प्रत्याशी हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद यानी MLC चुनाव को लेकर गहमा गहमी का माहौल है। बनारस में BJP प्रत्याशी सुदामा पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी टक्कर बृजेश सिंह माफिया बृजेश सिंह की पत्नी से है और तीसरे प्रत्याशी समाजवादी के भी हैं। आपकी टक्कर आप किससे मानते हैं? हमने तो बता दिया सामने वाले टक्कर, आप किससे मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, मोदी जी के संसदीय क्षेत्र के नाम से वाराणसी MLC चुनाव है, वाराणसी विकास प्राधिकरण स्थानीय निकाय का चुनाव है MLC का, तो वाराणसी जहां शब्द आ जाता है इसमें टक्कर किसी पार्टी से किसी व्यक्ति से हो ही नहीं सकती। सुदामा पटेल ने इस पूरे मामले की शिकायत CM से करने की भी बात कही है। सुदामा पटेल को हार की आशंका इस वजह से भी हो रही है क्योंकि जब पिछली बार MLC का चुनाव हुआ था तो बृजेश सिंह निर्दलीय प्रत्याशी था और जेल में रहते हुए भी जीत दर्ज कर ली थी और इस बार भी वैसी ही तैयारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि बृजेश सिंह की जगह उसकी पत्नी अन्नपूर्णा सिंह मैदान में है। ABP गंगा के लिए वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।